मजा आ गया अम्मा, बस नहीं, मैं पेपर गया। अरे चाय आ गई, अब हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। वाह, हमारी छोरी तो बड़ी सुगर हो गई है। थैंक यू। होना ही था, आपके और फिजा आपी के जाने के बाद मैं अकेली जो रह गई थी। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और अब्बा का गुस्सा। आप तो जानती है ना मुझे अब्बा से कितना डर लगता है। बहुत मुश्किल वक्त था हमारे ऊपर। अब खैर, वो वक्त तो सबका ही बुरा था। मैं अरे बेटा, बीती बातों की तलखियों को याद करके दुखी होने से अच्छा है ना कि आज की खुशी पे शुक्र अदा कर। अरे सही कह रही हैं आप। मैंने वाकई सोचा ही नहीं था कि मैं आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के साथ फिर से ऐसे ही बैठूंगी। अल्लाह की जात से मायूस नहीं होती, वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पे कादिर है। बेशक, अच्छी बात तो ये है कि हम सब साथ हैं और बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय फिजा आपी के। क्यों, फिजा को क्या हुआ? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है उनके ससुराली अंकल और सुंबुल तो फिर भी काबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन आंटी और दुला भाई का तो मिजाज ही नहीं मिलता है। ये तो आप ही में बहुत बर्दाश्त है, इतनी बातें सुनाते हैं लेकिन आप ही उफ तक नहीं करती। क्या प्रॉब्लम है उनको? इतनी अच्छी तो है फिजा। आपके घर छोड़ने के बाद अगर अजाब हमारे अलावा किसी ने भुगता है तो वो फिजा आप ही हैं। उनको इतने ताने दिए कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। अगर उन्हें पता लग गया कि आप हमारे पास वापस लौट आई हैं तो शायद वो आप ही का मिलना जुलना ही हमसे खत्म कर दें। सानिया, नहीं अम्मा, बोलने दे इसको। मैं भी तो सुनूं कि मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को किस सिलसिले में मिल रही है। ये तो कुछ नहीं है बच्चों, दुल्हा भाई ने तो आप ही को तलाक की धमकी भी दी थी। जब आप और मैं खाला बनने वाले थे तो दुल्हा भाई ने आप ही के ऊपर इतने बुरे इल्जाम लगाए कि मुझे तो लगता है कि आप ही खुद से नहीं गिरी थी, उन्हें जानबूझ के गिराया गया था। अम्मा, इतना सब कुछ हो गया फिजा के साथ और आपने मुझे बताया नहीं, यहां तक कि फिजा ने भी कुछ नहीं कहा, क्यों? बहुत साबिर है हमारी फिजा। क्या बताती, और फिर बेटा बताने से कौन सा उसका नुकसान पूरा हो जाए। मेरी बच्ची की किस्मत में औलाद का दुख लिखा था, पूरा हुआ। जो कुछ भी हुआ है ना उनके ससुरालियों की वजह से हुआ है। अच्छा तुम चाय पी, ठंडी हो रही है। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर घर जा रही हूँ। तुमने
तुमने स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ी? नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं है, वो बीमार थी थोड़ी, अब ठीक हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे जाओगी? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम बात करेंगे ना, फिर बाद में मिलेंगे। अच्छा चलो, मुझे अपना नंबर दो ना। नहीं तो नंबर नहीं है ना मेरे पास, फोन ही नहीं है। दो